Hello friends, this is Om and welcome to our new channel Civil Raja. So first of all guys, I would like to thank you because you have helped me a lot to grow this channel. कल ही मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है और कल ही मैंने बहुत सारे लोगों से बात की और जीरो सब्सक्राइबर से 64 सब्सक्राइबर्स अभी तक हो चुके हैं एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस. आई होप आगे भी आप मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करेंगे. अच्छा, मैं हिंदी में बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने लोगों से बात की और उन्होंने कहा कि हिंदी में चैनल को रखने से आप लोगों तक जो नॉलेज है वो इजीली पहुँच सकेगा. क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस चैनल पे वहाँ पे स्केचअप के ऑलरेडी वीडियोज जो है बहुत सारे वीडियोज वहाँ पे इंग्लिश में बनाए हुए हैं. ओके, सो इस चैनल पे हम लोग हिंदी में बातें करेंगे, पर ये चैनल कुछ खास होने वाला है. यहाँ पे कुछ हम लोग एक्स्ट्रा चीज़ें सीखने वाले हैं. सो ऑब्वियसली वो चीज़ें इंग्लिश ऑडियंस तक नहीं पहुँच पाई है मेरे थ्रू. ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सारा सोर्स है जहाँ से आप नॉलेज गेन कर सकते हैं, लेकिन मेरे थ्रू नहीं पहुँचा है एंड इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेयर माई नॉलेज विथ ऑल ऑफ यू. सो इस चैनल को मैं बाइलिंगुअल रखने वाला हूँ. ओके, जहाँ पे आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करेंगे. अब जैसे कमांड्स हो गए, तो कमांड्स को तो मैं हिंदी में नहीं बोल सकता, वहाँ तो मुझे इंग्लिश ही बोलनी होगी. लाइक पुश पुल टूल को मैं धक्का देने या खींचने वाला टूल तो नहीं बोल सकता, राइट? तो वहाँ पे तो मुझे यही बोलना होगा कि ये पुश पुल टूल है और ये जो है ये मेरा सेलेक्ट टूल है, यहाँ पे मेरा मूव टूल है. ओके, सो चलिए आज हम लोग बात करते हैं नेविगेशन टूल के बारे में. अच्छा, मैंने कोई सिलेबस नहीं बनाया है पर्टिकुलर इस कोर्स के लिए, और ये जो ट्यूटोरियल कह सकते हैं आप इसको, इसके लिए मैंने कोई सिलेबस नहीं बनाया है, क्योंकि इसे हम लोग एक डिफरेंट स्टाइल में सीखने वाले हैं. इसमें इस तरीके से काम नहीं होगा कि मैं आपको एक पर्टिकुलर हर एक टूल के बारे में बताता जा रहा हूँ और वहाँ से फिर सोचेंगे कि इसका क्या यूज करना है क्या नहीं करना है. यहाँ पे मैं टूल्स बताऊंगा, उसकी यूजेज बताऊंगा. कुछ बेसिक टूल्स हमें पता होना चाहिए सो डैट हम लोग काम स्टार्ट कर सके. तो मैं बेसिक टूल्स को डिस्कस कर दूंगा, उसके बाद जैसे जैसे हम लोग प्रोजेक्ट में डीप जाते जाएंगे तो हम लोग समझते जाएंगे कि इन टूल्स को क्यों हम लोग सीख रहे हैं और कहाँ उसे रिलेट कर रहे हैं. जैसे कि आज के सेशन में हम लोग नेविगेशन टूल के बारे में सुनेंगे और वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि नेविगेशन टूल्स का कैसे यूज करना होता है, कैसे हम लोग किसी एक पर्टिकुलर जगह पे जूम करते हैं, तो उसके लिए और क्या क्या ऑप्शन है, किस किस तरीके से नेविगेशन टूल को यूज किया जा सकता है, वो सारा सारी जो बातें हैं वो सब हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे. साथ ही साथ नेक्स्ट क्लास जो होगा वो हमारा टेक्सचर के बारे में होगा कि हम लोग किसी बिल्डिंग में कलर कैसे अप्लाई करते हैं, उसमें हम लोग किस तरीके से, मान लीजिए आपका टेबल है तो उसको हम लोग डिफरेंट कलर में पेंट करना चाहते हैं वो कैसे करेंगे, या फिर सेम टेक्निक का यूज करते हुए आप कहीं पे बिल्डिंग में टाइल्स लगाना चाहते हैं, आप बिल्डिंग में अलग कलर करना चाहते हैं, तो टेक्सचर वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. कहीं आपके पर्टिकुलर फोटो है जो वहाँ पे लगाना चाहते हैं, जैसे आपने कुछ कुछ 3D मॉडल्स देखे होंगे जहाँ पे देखा होगा कि आपने वहाँ पे कोई पेंटिंग है, तो वहाँ पे वो पेंटिंग कैसे अप्लाई की गई. अब डायरेक्टली तो हम इमेज को इम्पोर्ट करके वहाँ पे करेंगे तो उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो हमें किस तरीके से उसको पर्टिकुलरली इम्पोर्ट करना है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग सीखते जाएंगे. तो जैसे जैसे हम लोग प्रोजेक्ट में आगे बढ़ेंगे वैसे चीज़ों को हम लोग सीखते जाएंगे. तो चलिए अब हम लोग ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, मतलब सिर्फ बातें नहीं करेंगे, बातें तो होती रहेंगी जैसे जैसे हम लोग सॉफ्टवेयर में बढ़ेंगे. तो चलिए हम लोग डायरेक्टली चलते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर. यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था, जहाँ की हम लोगों ने रेक्टेंगल टूल, सर्कल टूल और उसके बाद पॉलीगॉन टूल के बारे में जान लिया था, जिसमें हम लोग गो ने पुश पुल टूल का थोड़ा बहुत यूज किया था. अब ये जो सारे टूल्स हैं इनको मैंने ड्रॉइंग टूल्स बोलता हूँ, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ. ओके, लेट मी हैव माई स्पेक्स. ओके, या सो अब क्या करना है हमें कि पहले तो हमें इसे डिलीट कर देना है, क्योंकि अभी इसका कोई यूज नहीं है. डिलीट करने के लिए मैंने इसको सिंपली सिलेक्ट कर लिया और डिलीट बटन से डिलीट कर दिया. अब सिलेक्ट करने के टाइम में आपने एक चीज़ गौर किया होगा कि मैंने यहाँ से ड्रैग करके इसे सिलेक्ट किया और ये कम्प्लीटली सिलेक्ट हो गया, राइट? तो सिलेक्शन की जहाँ तक बात हो गई, तो सिलेक्शन के सिर्फ यही मेथड नहीं है. देखिए सिलेक्शन का मेथड में आपको कुछ कुछ और चीज़ें मैं बता देता हूँ. जैसे कि आपने अगर सिंगल क्लिक से इसे सिलेक्ट किया होता, सपोज इस सरफेस को, तो आपका सिर्फ सरफेस सिलेक्ट हुआ है और आप कहीं भी बाहर में सिलेक्ट कर देंगे तो आप इसको डिसलेक्ट भी कर लेंगे. ओके, अब सिंगल क्लिक से अगर किसी लाइन को सिलेक्ट किया होता तो बस वो लाइन सिलेक्ट होता. तो अभी अगर सरफेस पर डबल क्लिक किया होता मैंने, तो क्या होता, ये सरफेस और इसमें जो लाइंस टचिंग है वो सारी लाइंस भी सिलेक्ट हो गई होती. वहीं अगर मैंने ट्रिपल क्लिक कर लिया होता तो ये सबका सब सिलेक्ट हो गया होता. तो ये तो हुआ एक सिलेक्शन प्रोसीजर, लेकिन क्या सिर्फ सिलेक्शन में इतना ही है या और भी चीज़ें हैं सीखने के लिए? तो
गाइज डेफिनेटली इसमें और भी चीजें हैं सीखने के लिए, लेकिन सारे सिलेक्शंस की बात अगर हम लोग इस वीडियो में करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो के लिए कुछ बचेगा नहीं। तो आज हम लोग पर्टिकुलरली अपने नेविगेशन टूल्स पे रहते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने यहाँ पे कुछ सेट्स बताए थे कि यहाँ से आपका जो लार्ज टूल सेट, आई गेस आप लोगों ने अभी तक अपने में इंस्टॉल कर लिया होगा, किस तरीके से इसको मॉडिफाई करते हैं वो भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया है। तो हम लोग करते थे व्यूज में जाते हैं, वहाँ से जाते हैं टूल बार में, वहाँ पे आपका टूल बार होता है, यहाँ पे जो भी चीज़ें हमें चाहिए वो सारी चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से बस क्लोज कर देते हैं, सिंपल। ओके नाउ अब यहाँ से लार्ज टूल सेट मैंने सिलेक्ट कर लिया और इसमें ये हमारे ड्राइंग टूल्स हैं। ड्राइंग टूल्स काफ़ी बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं और उसके लिए हम लोग एक स्पेशल क्लास रखेंगे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जो है वो एडिट टूल्स है, जो कि हम लोगों ने पुश पुल टूल को यूज करना सीखा था कल की क्लास में। देन आता है हमारा मेजरमेंट टूल्स एंड देन आता है हमारा नेविगेशन टूल। तो पहले हम लोग नेविगेशन टूल को सीखेंगे। क्यों ये सीखना जरूरी है? क्योंकि जब तक हम अपने सॉफ्टवेयर में मूव करना नहीं जानते, हम लोग और कोई काम कैसे कर सकते हैं, इसलिए नेविगेशन टूल जो है वो इंपॉर्टेंट है। ओके सो आई गेस आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी। अब आता है कि नेविगेशन टूल में हमारे पास है क्या क्या। तो ये जो आइकन दिख रहा है आपको, ये बोलते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट का मतलब होता है, पहले मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। तो अभी आप इसको, मैंने जब क्लिक कर लिया तो ये हाईलाइट हो गया। अब ये किसी भी टूल के लिए एप्लीकेबल है कि आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, वो हाईलाइट हो जाएगा, देन आपका लेफ्ट माउस बटन जो है वो उस पर काम करता है। तो नेविगेशन टूल का एक यूज तो ऐसे है कि हम लोग इस तरीके से नेविगेट कर सकते हैं, यानी कि मैं अपने लेफ्ट माउस बटन पे यहाँ दबा रखा हूँ और इसको जिधर भी मैं नेविगेट करना चाहूँ उस डायरेक्शन में इजिली नेविगेट हो जा रहा है, राइट। यानी कि उस डायरेक्शन में इजिली मूव हो जा रहा है और हम लोग इसको अलग अलग डायरेक्शन से देख सकते हैं। ओके अब नेविगेशन टूल को प्रॉपरली यूज करना सीख जाएंगे तो आप अपने मॉडल में इजिली मूव कर पाएंगे। ओके अगर आपको इस कमांड से बाहर निकलना है तो हर कमांड से बाहर निकलने के लिए एक सिंगल कमांड है, वो है आपका स्पेस बार। आप स्पेस बार प्रेस करेंगे और आप उस कमांड से बाहर आ जाएंगे और आप सीधा आ जाएंगे सिलेक्ट टूल के ऊपर। ओके तो स्पेस बार जो है वो आपका शॉर्टकट है सिलेक्ट टूल के लिए, जो कि आपका यहाँ पे है, और आप ये भी कह सकते हैं कि इट इज ऑल्सो अ शॉर्टकट टू कम आउट ऑफ एनी कमांड। तो आप स्पेस बार के लिए दो पॉइंट्स नोट कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट होता है कि हम लोग ऑर्बिट टूल को, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया है, लार्ज टूल सेट को नहीं रखा है, तो भी यहाँ पे मेरा जो ऑर्बिट है वो ऑलरेडी अवेलेबल रहता है। लेकिन सपोज आप वो शॉर्टकट यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए शॉर्टकट है ओ। अगर आप अपने कीबोर्ड पे ओ प्रेस करेंगे तो आपका ऑर्बिट टूल जो है वो हाईलाइट हो जाएगा और आप उसको इजिली यूज कर सकते हैं। अभी मैं फिर से कमांड से बाहर आ जाता हूँ। एक और शॉर्टकट है ऑर्बिट टूल के लिए, क्योंकि क्या है कि नेविगेट करना तो हमें बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो ऑर्बिट जो टूल है वो भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हैंडी होता है जब हमें मॉडल को देखना होता है। तो उसके लिए अगर आप एक ऐसा माउस बटन यूज कर रहे हैं, लेट मी शो यू, जैसा माउस मैं यूज कर रहा हूँ, जो नॉर्मली आजकल के दिनों में इसी तरीके का माउस होता है जिसमें कि हमारा जो स्क्रॉल बटन है वो भी होता है। कुछ माउस ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक होते हैं। ओके और सपोज आपका स्क्रॉल बटन किसी में खराब हो गया हो, वो भी एक सिचुएशन हो सकती है, बट यहाँ पे सब कुछ काम कर रहा है। तो यहाँ जो स्क्रॉल बटन है, इस स्क्रॉल बटन को जब आप प्रेस करेंगे तो आपका ऑर्बिट टूल जो है वो भी एक्टिवेट हो जाएगा, जैसा कि मैं आपको करके दिखा भी देता हूँ। ओके तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं अपने स्क्रीन को थोड़ा सा एनलार्ज कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ना अभी मेरा पॉइंटर है, यानी कि ये पॉइंटर मैंने यूज किया हुआ है, आई एम फ्री हैंड नाउ, एंड यहाँ पे मैंने स्क्रॉल बटन को प्रेस कर दिया। सो दिस इज द थर्ड थिंग दैट यू कैन गो विथ। ओके सो अभी इस तरीके से मैंने इसको प्रेस किया और जब तक आप इसको प्रेस करके रखेंगे ये ऑर्बिट में स्विच होके रखेगा, जैसे ही आप इसको छोड़ देंगे ये वापस से आपके प्रीवियस कमांड में आ जाएगा। सपोज यहाँ पे मैंने पुश पुल टूल को यूज किया हुआ था और यहाँ पे मैं स्क्रॉल बटन को प्रेस करता हूँ तो ये ऑर्बिट टूल हो गया है। जैसे ही इसे मैं छोड़ूंगा ये प्रीवियसली पुश पुल टूल पे था तो पुश पुल टूल पे चले जाएगा, राइट। तो ये एक चीज जो है वो क्लियर होना चाहिए। सो आप ऑर्बिट के लिए क्या क्या चीजें हम लोगों ने सीख ली, पहला तो आप जाके आइकन सिलेक्ट कर सकते हैं, सेकंड जो है आपको ओ एक शॉर्टकट है, ओ प्रेस करके आप ऑर्बिट में आ सकते हैं, ये परमानेंटली आपको इसमें ला देगा। ओके देन आपका थर्ड है कि आपके स्क्रॉल बटन में आप जैसे ही जितना देर के लिए स्क्रॉल प्रेस करेंगे उतनी देर के लिए ये आपका ऑर्बिट टूल में स्विच कर जाएगा, उसके बाद आप जैसे ही इसको लीव करेंगे या रिलीज करेंगे अपने स्क्रॉल बटन को ये वापस से नॉर्मल हो जाता है। ओके यानी कि आपके प्रीवियसली यूज्ड कमांड में स्विच कर जाता है। अब आपने देखा होगा कि मैंने जस्ट अभी क्या किया था कि यहाँ पे मेरा स्क्रीन है तो इसको मैंने स्लाइड कर दिया था, तो ऑर्बिट टूल से स्लाइड नहीं होता है, ऑर्बिट टूल से बस मूव होता है, रोटेट होता है एक पर्टिकुलर
सेंटर पॉइंट को पकड़ के। ओके तो स्लाइड करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने यूज किया पैन टूल को। ओके सो पैन टूल का यूज बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि आप किसी पेपर को स्लाइड कर रहे हैं अपने टेबल के ऊपर। ओके सो आप जैसे कि अगर आप इस रिमोट से समझना चाहें तो ये जो रिमोट है इसको मैं चारों तरफ से इस तरीके से मूव कर पा रहा हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट फिक्स कर दिया, इसको ऐसे मूव करके देख रहा, तो ये ऑर्बिट है। अब मान लीजिए कि ये रखा हुआ है, इसको मैं इस तरीके से मूव कर रहा हूँ जो कि सरफेस से नहीं हटा रहा, तो ये हो जाता है हमारा पैन। ओके तो अभी मैं आपको, ये पैन टूल है जो कि हमारा अगेन नेविगेशन टूल सेट में होता है, तो पैन टूल का यूज करके आप इसको इजीली कहीं भी स्लाइड कर सकते हैं। ओके अब ये किस लिए जरूरी है, मान लीजिए कि आपका यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। ओके और आप इसको बस, ये बहुत बड़ा मॉडल हो गया, अब मुझे इस कॉर्नर को ना देख के इस कॉर्नर को देखना है, तो मैं ऑर्बिट का अगर यूज करूंगा तो ऐसे तो ये रोटेट हो जाएगा तो काफी दिक्कत हो रही है, तो मैं पैन का यूज करूंगा। तो पैन का यूज करके मैं इसको इजीली जो है वो यहाँ से ऐसे मूव कर सकता हूँ। ओके इस तरीके से मैं मूव कर सकता हूँ। ऑर्बिट और पैन का डिफरेंस है, जैसे आपको समझ में आ गया होगा। अब सोचते हैं कि पैन के लिए हमारे पास शॉर्टकट क्या क्या है। तो पहला जो है कि पैन के लिए आपके पास सिंपल आइकन होता है, आपके लार्ज टूल सेट में भी और यहाँ पे टॉप में भी, दोनों ही जगह पे आपके पास पैन का आइकन होता है, जाके आप पढ़ भी सकते हैं कि पैन द कैमरा व्यू वर्टिकली और हॉरिजेंटली, ये चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। सो अभी आप वर्टिकली या हॉरिजेंटली जो है इसको मूव कर सकते हैं, ये वर्टिकल मूवमेंट है, ये हमारा हॉरिजेंटल मूवमेंट है। तो कुछ कुछ चीजें तो आपको वहां से ही समझ में आ जाएंगे कि सॉफ्टवेयर में क्या हो रहा है। आप यहाँ पे जब भी कर्सर ले जाएंगे तो पर्टिकुलर आइकन का नाम आ जाएगा या पर्टिकुलर टूल का नाम आ जाएगा, उसके नीचे वहाँ पे लिख भी देगा कि ये किस चीज के लिए यूज हो रहा है, जैसे कि ऑर्बिट द कैमरा व्यू अबाउट द मॉडल, तो ये मॉडल के अबाउट आपका जो कैमरा है वो घुमाएगा। नेक्स्ट जो आता है जो पैन है, तो अब पैन की बात कर रहे हैं, तो पैन का पहला शॉर्टकट हो गया कि हम आइकन्स को सिलेक्ट कर सकते हैं आइदर फ्रॉम लार्ज टूल सेट या फिर आपका टूल बार से। देन आपका आता है सेकेंड थिंग, तो अभी मैं स्पेस बार का यूज करके इस कमांड से बाहर आ जाता हूँ। ओके सो स्पेस बार इज द शॉर्टकट टू कम आउट ऑफ एनी कमांड और स्विच टू द सिलेक्शन टूल। ओके जस्ट अ मोमेंट, गर्मी काफी बढ़ गई है ना। ओके अभी आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। सो पैन के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट जो है कीबोर्ड पे आप अगर एच प्रेस करेंगे तो आपका पैन में स्विच कर जाएगा। ओके तो एच इज द शॉर्टकट फॉर पैन। ओके नाउ अगेन गेट बैक टू द सिलेक्शन टूल बाय हिटिंग द स्पेस बार। नाउ अगर आपको ये माउस का यूज करके इसको पैन को यूज करना है, क्योंकि देखिए ऑर्बिट जितना जरूरी है उतना ही जरूरी पैन भी है, क्योंकि मॉडल को रोटेट करके देखना जितना जरूरी होगा उतना उसको स्लाइड करके काम करना भी जरूरी होगा, क्योंकि जब आप मॉडल पे काम करेंगे तो मॉडल बहुत कॉम्प्लेक्स होते जाता है, तो वहां पे उसको स्लाइड करना होता है। ओके तो अभी इसको मैं स्लाइड कर लेता हूं, तो उसके लिए मैं ऑर्बिट टूल को क्या करता हूं, उसको हाईलाइट करने के लिए मैं माउस का स्क्रॉल बटन दबाता हूं और साथ में शिफ्ट दबा देता हूं। तो शिफ्ट दबा के जब मैं स्क्रॉल बटन का यूज करूंगा तो ये मेरा इजिली जो है वो पैन यूज हो जाएगा, जो कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होने के साथ साथ इसको इस डायरेक्शन में भी मूव करवा सकते हैं। ओके सो ये दो शॉर्टकट हो गए हमारे पैन के लिए। अब आते हैं हमारे पास कुछ और ऑप्शन है, जैसे जूम, जूम विंडो और जूम एक्सटेंड्स एंड दिस प्रीवियस। ओके सो अभी इन सब के बारे में समझते हैं। पहला तो है जूम, तो जूम के लिए क्या होता है कि आप कहीं भी ले जाके वहां पे क्लिक कर लेंगे, वो पर्टिकुलर एरिया जो है वो जूम हो जाएगा, राइट, यही तो होता है जूम। तो जूम के लिए सबसे इजी है, जो कि यहाँ पे आइकन होने के साथ साथ आप जेड यूज करके भी जूम में स्विच कर सकते हैं, दैट्स नॉट एन इश्यू। ओके आपने पॉइंटर यूज कर लिया, जेड इज द शॉर्टकट फॉर जूम, आप वहां पे गए और जूम इन कर रहे हैं, ठीक है, जूम इन कर रहे हैं या जूम आउट कर रहे हैं, जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका जो मुझे लगता है वो होता है स्क्रॉल बटन। ओके क्योंकि माउस से जितना ज्यादा काम करेंगे आप उतना ज्यादा आपके लिए इजी होगा सॉफ्टवेयर में काम करना। ओके सो जूम के लिए क्या है कि आप स्क्रॉल बटन को अगर आगे की तरफ करेंगे तो वो जूम इन हो जाएगा, यानी कि आप मॉडल के पास चले जाएंगे, और जैसे ही स्क्रॉल बटन को पीछे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपका जूम आउट हो जाता है, यानी कि आप उसके लिए दूर जाते हैं। मैक्सिमम सॉफ्टवेयर्स में यही होता है कमांड, सो नॉट एन इश्यू, अगर आपने कोई भी सॉफ्टवेयर चलाया है तो वहां आपने इसको जरूरी ऑब्जर्व किया होगा। नेक्स्ट जो होता है वो होता है हमारा जूम विंडो। अब जूम विंडो क्या करता है, तो सपोज मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जूम करना है और अभी मैं जूम कमांड से इसको जूम करना चाहता हूं, तो मैं इस तरीके से मूव कर रहा हूं और यहां पे इतना टाइम लग गया मुझे जूम होने में, तो ये तो एक सिंपल मॉडल है, तभी हिसाब है।
अगर मान लीजिए मेरा कोई कॉम्प्लेक्स मॉडल होता, यहाँ पे सब कुछ होता तो कैसे होता, तो वहाँ पे हमारा ये जूम विंडोज है वो काम आता है। तो यहाँ पे क्या करना होता है, मुझे इस हल्का से छोटा सा रेक्टेंगल बना लेता है, छोड़ देना होता है, मैं डायरेक्टली इस पॉइंट पे आ गया। ओके राइट, सो इस तरीके से जूम होता है। अब जूम एक्सटेंड क्या करता है, सेम उसका उल्टा, आप कहीं भी हो आप इसको यूज करो, ठीक है, जूम एक्सटेंड को और वैसे कर दो, आप बाहर आ जाओगे मॉडल से। अगर आपका मॉडल बहुत कॉम्प्लेक्स है तो आप सिंपली यहाँ से बाहर आ जाइएगा। अब मान लीजिए मुझे वापस से जूम इन करना है, तो मैं जूम विंडो के थ्रू जूम इन करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से एक छोटा सा रेक्टेंगल बना के छोड़ दूंगा, मैं डायरेक्टली इस प्लेस पे पहुंच गया। राइट, अब मान लीजिए कि जूम एक्सटेंड का और क्या यूज है, सपोज आप अपने स्क्रॉल बटन से जूम कर रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है ना कि जब बहुत सारे वॉल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स हो जाता है मॉडल, तो हम लोग इसको जूम करते जाते करते जाते करते जाते हैं और गलती से हम लोग किसी पर्टिकुलर थिंग के अंदर पहुंच जाते हैं। जैसे कि अभी मैं इस मॉडल के अंदर पहुंच गया हूं, तो ये मुझे अंदर से दिखा रहा है कि मॉडल अंदर से कैसा दिखता है, लेकिन मैं यहां पे आना नहीं चाहता था। राइट, तो मैं क्या करूंगा, जूम एक्सटेंड का यूज करूंगा, तो जूम एक्सटेंड का पे क्लिक करते ही मैं मॉडल से बाहर आ गया। राइट, तो ये फायदा होता है। अब इसका भी कुछ शॉर्टकट होता होगा, तो हाँ जी इसका भी शॉर्टकट है, जैसे कि शॉर्टकट के हमारे पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्लू, ये होता है जूम लाइक विंडो का शॉर्टकट, डब्लू फॉर विंडो, सो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्लू, उससे आप जूम एक्सटेंड करना चाहते हैं और कहीं भी चाहते हैं तो वहाँ पे पर्टिकुलर प्लेस पे जूम कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप जूम करते करते कहीं पे घुस गए हैं, तो वहाँ पे आप नहीं निकल पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई, और आप जूम एक्सटेंड कर चुके हैं और आप मॉडल के बाहर आ जाएंगे। राइट, आप जिस भी डायरेक्शन से घुसे तो उस डायरेक्शन से आप बाहर आ जाएंगे, कंप्लीटली मॉडल से बाहर आ जाएंगे। तो आपका मॉडल कितना भी कॉम्प्लेक्स होगा, आप वहां से बाहर इजिली निकल सकते हैं। ओके, सो गाइस इतना चीज तो हो गया, ये सारे चीज थी नेविगेशन टूल के बारे में। अभी आते हैं हमारे पुश पुल टूल के बारे में, कि पुश पुल का हम लोग कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आई गेस कि स्पेशल क्लास होगा तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि वहां पे काफी चीजें हैं जो यूज की जा सकती हैं पुश पुल टूल में, तो हम लोग एक स्पेशल सेशन कर लेंगे उसके। अभी मैं आपको रेक्टेंगल टूल ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो रेक्टेंगल टूल में जो कुछ चीजें हैं वो यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि आप मान लीजिए कि रेक्टेंगल को यूज करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप जब भी किसी रेक्टेंगल पर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये डायमेंशन बॉक्स ओपन होता है। डायमेंशन बॉक्स आपके बॉटम राइट कॉर्नर में है, तो आप उसको वहां पे देख सकते हैं, ये डायमेंशन बॉक्स है। ओके, सो यहाँ पे एक्चुअली कभी कभी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि हम लोग क्या यूनिट प्रेस कर रहे हैं, तो जो आपको यूनिट प्रेस करना है वो आपका यूजुअली होता है कि आप रेड एक्सिस में पहले लिखते हैं और उसके बाद जो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है वो आपका ग्रीन एक्सिस होता है। ओके, तो उस तरीके से हम लोग लिखेंगे, सपोज आप एक 20 फिट कॉमा 40 फिट का ओके जस्ट अ मोमेंट, आप एक 20 फिट कॉमा 40 फिट का रेक्टेंगल चाहते हैं। यहाँ पे मेरा नमलॉक ऑन नहीं था, फिट कॉमा 40 फिट, यस, अभी आपने देखा कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ हो चुका है। ओके, सो जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारा जो पहला एक्सिस है वो क्या है, रेड एक्सिस है। ओके, सो वो हमारा बेसिकली जैसे आपका एक्स एक्सिस होता है ना दूसरे सॉफ्टवेयर्स में, वैसे यहाँ पे रेड एक्सिस है, उसके बाद वाई होता है, उसके बाद जी होता है। ओके, तो एक्स वाई जी, तो यहाँ पे रेड ब्लू ग्रीन। ओके, तो ये हमारा 20 फिट जो है वो रेड डायरेक्शन में है और 40 फिट हमारा ग्रीन डायरेक्शन में। ओके, सो इसको आप अगर मेजर करना चाहें तो आपके पास मेजरमेंट टूल भी है। मेजरमेंट टूल का यूज बस मेजरमेंट के लिए नहीं है, ओके, लेकिन आप यहाँ पे उसको देख सकते हैं, जब आप कॉर्नर टू कॉर्नर मैच कर रहे हैं तो वो 40 फिट दिखा रहा है। जैसे आप यहाँ पे इस साइड में 20 फिट है, अगर आप इसके मिड पॉइंट को देखना चाहें तो 10 फिट है। ये जो ब्लू आइकन होता है, ब्लू लाइट जो है वो आपका दिखा रहा है कि आप मिड पॉइंट पे पहुंच गए हैं। ये आपका कहीं भी रैंडम पॉइंट है, ये आपका एंड पॉइंट है जो कि ग्रीन है, और इधर में ग्रीन है, और ये आपका मिड पॉइंट है। देन अगर अदरवाइज आप ब्लू पे है या फिर रेड पे है, इस तरीके से आप स्विच कर रहे हैं। ओके, इसके बाद आप अगर डायगोनल का डिस्टेंस जानना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे आराम से मिल जाएगा। ओके, सो ये आपका मेजरमेंट टूल है। सपोज आप डायगोनल का डिस्टेंस जानना चाहते हैं, इसको मार्क करना चाहते हैं, तो ये आपका एक रेफरेंस लाइन जो है वो क्रिएट हो चुका है, लेकिन इसके बारे में किसी दूसरे दिन बात करेंगे। पहले हम लोग रेक्टेंगल को ड्रॉ करना सीख लेते हैं। तो ये हमारा रेक्टेंगल का परफेक्ट मेजरमेंट के द्वारा ड्रॉ करना होता है। सपोज आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहते हैं जो कि सेंटर टू सेंटर होगा, तो रेक्टेंगल का शॉर्टकट मैंने पिछले क्लास में बताया था आर, राइट, तो आर इज द शॉर्टकट। अब आप कंट्रोल प्रेस कर लीजिए। ओके,
अब आप रेक्टेंगल को जब ड्रॉ करेंगे तो आपको डायगोनल दिखाएगा, ओके okay? अगर आप एक्सिस को लॉक करना चाहते हैं तो आपके पास एरो की है। चलिए ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको मैं बता देता हूँ। सपोज आप रेड एक्सिस को लॉक करना चाहते हैं तो आपके पास है लेफ्ट राइट एरो की, ओके okay? राइट एरो की को यूज करके आप रेड एक्सिस को लॉक कर देंगे। आप लेफ्ट एरो की यूज करेंगे तो ग्रीन एक्सिस लॉक हो जाएगा। ब्लू एक्सिस लॉक करने के लिए आपके पास अप एरो की है, ओके okay? तो एरो की आपके लैपटॉप में ऑलरेडी होगा तो उसको यूज करके आप कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे डायगोनल से यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, जिसको कि हम लोग और क्या बोलते हैं, और ये हमारा होता है सेंटर टू सेंटर रेक्टेंगल भी इसको बोलते हैं, ओके तो इस तरीके से रेक्टेंगल का नाम लिया जाता है एंड उसके बेसिस पे हम लोग इसको यूज भी करते हैं। सो गाइज आई गेस दिस इज ऑल फॉर टूडेज क्लास, ओके और हम लोग आज की क्लास में बहुत कुछ सीख चुके हैं, जहाँ की बेसिकली हम लोगों ने नेविगेशन टूल्स के बारे में सीखा है। और चलिए उसके बाद कल की क्लास में हम लोग पेंट बकेट टूल के बारे में सीखेंगे। पेंट बकेट टूल, यहाँ पे हमारा पेंट बकेट टूल होता है जो कि हमारे डिफॉल्ट ट्रे में मटेरियल्स को ओपन करने के काम आता है। तो यहाँ पे अगर मैं मटेरियल्स को ओपन कर दूँ, ओके तो यहाँ पे डबल क्लिक करके मैं मटेरियल ओपन कर सकता हूँ। यहाँ से कोई भी कलर मैं पिक कर सकता हूँ, कोई भी कारपेट का डिजाइन भी पिक कर सकता हूँ और यहाँ पे इजिली मैं उसको प्रोवाइड कर सकता हूँ, ओके तो ये हमारा पेंट बकेट टूल होता है, ओके इसको हम अलग अलग टेक्सचर्स को यूज करके यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। सो इट्स अप टू अस। तो पेंट बकेट टूल के बारे में कल के क्लास में डिटेल में जानेंगे। आज हम लोगों ने सीखा नेविगेशन टूल के बारे में, जहाँ पे हम लोगों ने जाना ऑर्बिट, पैन, जूम, देन जूम विंडो, देन जूम एक्सटेंट, एंड जूम एक्सटेंट के बाद आता है प्रीवियस जूम, ओके सो ये भी मैं आपको बता ही देता हूँ, ओके सपोज आप यहाँ पे हैं, आपने इसको जूम कर लिया, अब आप जानना चाहते हैं कि आप पहले कहाँ पे थे, तो जस्ट आपका प्रीवियसली जहाँ पे था, यानी कि आप स्क्रॉल करते करते यहाँ पे रुक गए हैं, अब प्रीवियसली आप कहाँ पे थे वो जानना है तो आप यहाँ पे सिंपल क्लिक करके जूम प्रीवियस पे जा सकते हैं, यानी कि आप जहाँ पे पहले थे वहाँ पे आप वापस से आ जाएंगे, ओके सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे सेशन एंड आई होप यू विल कीप सपोर्टिंग मी इन द फ्यूचर इन द सेम मैनर, ओके टिल देन टेक केयर एंड वी विल मीट टुमारो विद द वीडियो ऑन पेंट बकेट टूल वेयर वी विल लर्न अबाउट द टेक्सचर्स एंड द पेंट्स एंड ऑल द कलर्स दैट कैन बी अप्लाइड इन द स्केचअप, ओके थैंक यू गाइज। एंड या वन मोर थिंग, लाइक जैसे कि मैं कल भूल गया था, आज ही भूल गया था, इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें इस चैनल को एंड इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सो डैट ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए और मैं मोटिवेटेड रहूँ कि मैं ऐसे वीडियोज़ बनाता रहूँ जो आपके काम आए। थैंक यू।